हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे फॉर यू। आज के इस वीडियो में हम सेल्फ इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, जिसमें आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है और इंट्रोडक्शन में यूज होने वाले जो कॉमन कुछ लाइंस हैं उनको हम एज ए होमवर्क आज राइट डाउन भी करने वाले हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको इस सेल्फ इंट्रोडक्शन में अपने जो पेरेंट्स हैं उनकी भी आपको हेल्प लेनी होगी। हो सकता है कि आपको अपनी डी ओ भी लर्न नहीं हो, आपके ईयर्स लर्न नहीं हो, कुछ और भी लाइंस ऐसी हैं जिनके अंदर आपको अपने पेरेंट्स की हेल्प लेनी होगी। आई एम ऑल्सो रिक्वेस्टिंग टू माई डियर रेस्पेक्टेड पेरेंट्स कि आप अपने किड्स की हेल्प करें इस सेल्फ इंट्रोडक्शन में। डियर स्टूडेंट्स, हम इसको शुरू कर रहे हैं आज फर्स्ट लाइन से। फर्स्ट लाइन में इसने दिया आई एम, सिर्फ दो ही वर्ड लिए, तो इसमें आपको सबसे पहले अपना नाम लिखना है आई एम, और फिर आपको ब्लैंक वाली जगह पर अपना नाम लिखना है। सेकंड इसने दिया आई एम ए गर्ल ऑब्लिक बॉय, आप गर्ल हैं तो आप लिखेंगे आई एम ए गर्ल, और अगर आप बॉय हैं तो आप लिखेंगे आई एम ए बॉय। नंबर थ्री आई एम, फिर ब्लैंक और ईयर्स ओल्ड, आप कितने साल के हैं आपको नहीं पता हो, आपके पेरेंट्स के अंदर पेरेंट्स आपकी इस वीडियो में या इस थर्ड वाले टॉपिक के अंदर हेल्प कर सकते हैं, तो आप उनसे इस चीज़ के बारे में पूछेंगे कि आप कितने साल के हैं, और आपको वो अपना ईयर्स यहाँ लिखना है। लाइक दैट, अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, अगर आप 7 ईयर्स के हैं तो आप अपने पेरेंट्स की हेल्प से आप 7 ईयर्स की जानकारी लेंगे, और साथ में इसमें आप लिखेंगे कि ब्लैंक में आई एम 7 ईयर्स ओल्ड। प्यारे बच्चों, नंबर 4 की बात हम करते हैं, तो वहाँ लिखा हुआ है माई फादर्स नेम इज़ मिस्टर, अब फादर्स नेम का मतलब आपको यहाँ पर अपने फादर का नाम लिखना है। प्यारे बच्चों, इसके अंदर आप एक चीज़ का ध्यान जरूर रखना, जैसे ही आप माई सेल्फ के अंदर इस तरह की ब्लैंक कंप्लीट कर रहे हैं, आप अपनी हैंड राइटिंग का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखेंगे। नंबर 5 पर जैसे ही हम पहुँचते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ माई मदर्स नेम इज़ मिसेज, और यहाँ पर आपको अपनी मम्मी का नाम लिखना है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक जब हम पहुँचे हैं 5 लाइन्स हमारी कंप्लीट हुई हैं। नंबर 6 पर हम पहुँचे हैं माई बर्थडे इज़ ऑन, यस ये लाइन सभी को याद रहती है ना कि बर्थडे कब आता है, यस वही बर्थडे आपको अपने पेरेंट्स की हेल्प से या उनकी इंफॉर्मेशन से आपको यहाँ लिखना है। नंबर 7 की हम बात करते हैं आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास, अब आप कौन सी क्लास के स्टूडेंट हैं आपको अच्छे से पता है, तो आपको अपनी क्लास यहाँ लिखनी है, और सेंटेंस आपका क्या बनेगा आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास, और जो भी क्लास रहेगी वो आपको लिखनी है। नंबर 8 सेंटेंस मैंने आपके लिए कंप्लीट करके दिया है, जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना, आई एम स्टडिंग इन सरस्वती विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल राधाकिशनपुरा सीकर। डियर स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस मैंने आपको कंप्लीट करके दिया है, जिसमें आपको कुछ भी चेंज नहीं करना। क्या लिखा है इसने आई एम स्टडिंग इन, कि मैं कहाँ पढ़ता हूँ या कहाँ स्टडी करता हूँ, तो उसमें लिखा है कि मैं सरस्वती विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल राधाकिशनपुरा सीकर में स्टडी करता हूँ। 9 नंबर के सेंटेंस को भी मैंने आपके सामने कंप्लीट करके दिया है आई लिव इन सीकर, कि मैं सीकर में रहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम जैसे ही अपर क्लासेस में जाएंगे, बड़ी क्लास में जाएंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे अपने एड्रेस को पूरा लिखेंगे, लेकिन आज ये हमारा माई सेल्फ का फर्स्ट वीडियो है ना, स्टार्टिंग फेज है, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट और सिंपल बनाया। नंबर 10 की बात करते हैं माई फादर्स मोबाइल नंबर इज़। डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने इसमें एक अच्छा सा पॉइंट ऐड किया है, आपको भी अपने घर के मोबाइल नंबर, फादर मदर एल्डर ब्रदर सिस्टर उनके मोबाइल नंबर, आपको किसी भी एक मोबाइल नंबर को आपको लर्न करना है। ध्यान सुने स्टूडेंट्स, आपको अपने फैमिली के किसी भी एक मोबाइल नंबर को लर्न करना है, और यहाँ पर लिखना भी है, यहाँ पर आपको अपने फादर्स के मोबाइल नंबर लिखने हैं। लास्ट एंड फाइनल जो लाइन हमने दी, द नेम ऑफ माई कंट्री इज इंडिया, इस ब्लैंक इसमें किसी भी तरह का कोई ब्लैंक नहीं है, और इसमें आपको ये कंप्लीट करना है, कंप्लीट सेंटेंस मैंने कर दिया है, आपको सिर्फ राइट डाउन करना है द नेम ऑफ माई कंट्री इज इंडिया। डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से रिमाइंड कर लेते हैं फर्स्ट टू 11 पॉइंट को जो माई सेल्फ के हैं। फर्स्ट आई एम, आपको नाम लिखना है। सेकंड चूज करना है आई एम ए गर्ल और बॉय। नंबर 3 आई एम, जो ईयर्स आपके हैं उनको लिखना है। फिर माई फादर्स नेम इज़ मिस्टर, जो भी हैं। माई मदर्स नेम इज़ मिसेज, जो भी आपकी मम्मी का नाम है।
नेक्स्ट माई बर्थडे इज़ ऑन, आपका बर्थडे जिस डेट को आता है वो आपको यहाँ पर राइट डाउन करना है। नेक्स्ट आपको लिखना है आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास, कौन सी क्लास के स्टूडेंट हैं वो आपको लिखना है। नेक्स्ट आई एम स्टडिंग इन सरस्वती विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल राधा कृष्णपुरा सीकर, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, मैंने पूरा ब्लैंक फिल कर दिया। फिर 9 नंबर आई लिव इन सीकर। 10 माय फादर्स मोबाइल नंबर इज, आपके पापा की मोबाइल नंबर लिखने हैं। और 11 नंबर द नेम ऑफ माय कंट्री इज इंडिया, ये भी मैंने आपको कंप्लीट करके दिया। डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ के आज के इस टॉपिक के अंदर आपको माई सेल्फ की 11 लाइंस को मैंने कंप्लीट करके दिया है। डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आपको लर्न भी होना चाहिए और आप उसको अच्छी हैंड राइटिंग में इसको राइट डाउन भी करेंगे। आज की इस जनरेशन में, आज के इस प्रेजेंट टाइम में माई सेल्फ अपना इंट्रोडक्शन और प्रोफेशनली इंग्लिश लैंग्वेज में अपना इंट्रोडक्शन हमें लर्न होना चाहिए, हमें आना भी चाहिए। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको माई सेल्फ का जो 11 लाइंस का जो मैंने पॉइंट ऑफ व्यू बताया है उसको आपको लर्न भी करना है और राइट डाउन भी करना है। हैव ए नाइस डे फॉर यू। थैंक यू सो मच।